हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक होगा वीडियो का, वो टॉपिक होगा B2 का जो वेयर हाउस है या फिर जो DC है, उसका क्या क्या एक्टिविटीज होता है और कैसे चेक करते हैं सेप में, तो वही देखने वाले हैं आज का वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग अगर वेयर हाउस का एक्टिविटीज चेक करना है तो सेप के थ्रू चेक करना पड़ता है। तो वो सेप डिकोड है ZSDC_reports। तो इसमें जाने के बाद आपको सबसे पहले मिलेगा GRC Putaway का। तो GRC Putaway बेसिकली क्या होता है, जो हम लोगों का जो स्टॉक आता है उसको हम लोग जो DC में इन करता है जिस प्रोसेस के थ्रू, तो उसी को GRC Putaway बोलते हैं। तो वो चेक कर सकते हैं आप लोग। और सेकंड है आपको पिकिंग। तो पिकिंग बेसिकली तीन तरह का होता है। पहला मेरा मैंने जो रखा है यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे वो है 0002-0001। मतलब DC से जो फ्लोर में जाएगा वो पिकिंग स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। और तो सेकंड पिकिंग है मेरा जैसे कि B01 से 0008 तक। तो B01 बेसिकली क्या होता है, वो होता है जो कोई इंट्रांजिट का अगर सामान आता है तो उसको अगर पिकिंग करना है तो वो जो पिकिंग स्टेटस है यहाँ से देखते हैं। और थर्ड है मेरा पिकिंग जो है, जैसे कि हम लोग पिकिंग करते हैं 0008 में जाता है। 0008 बेसिकली क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो ये प्रोसेसिंग से भी फ्लोर पे लेके जाने का जो स्टेटस है वो यहाँ पे ही चेक कर सकते हैं। तो फोर्थ हो गया मेरा, फोर्थ हो गया शॉर्ट क्वांटिटी। तो शॉर्ट क्वांटिटी क्या है, जैसे कि B01 से जैसे हम लोग GRC Putaway करते हैं, करने के टाइम अगर कोई शॉर्ट आर्टिकल रह गया होगा तो शॉर्ट आर्टिकल कहाँ पे पोस्ट होता है, 0003 पे। तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना जो चैनल का बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए। तो अभी प्रैक्टिकली देखते हैं जो जो मैंने बोला हुआ है वो कैसे करते हैं, वो एक बार देखते हैं। तो चलिए, तो अभी सबसे पहले खोलना पड़ेगा सेप एप्लीकेशन को। तो सेप एप्लीकेशन खोलने के बाद अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो उसको लॉगिन करना है इस पर। और इस लॉगिन के अंदर जो स्टोर यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा वो डालना है। तो आप अपना स्टोर आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। और जैसे कि मेरा यहाँ पे मेरा जो स्टोर मैंने एक स्टोर का लिया हुआ है, तो ये आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं। डालने के बाद हम लोग एंटर करेंगे, ये इंटरफेस ऐसा खोल के आएगा। तो मुझे जैसे कि रिपोर्ट्स निकालना है DC या फिर वेयर हाउस का एक्टिविटी के लिए, क्या 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 हुआ है आज के दिन पे या फिर क्या हो चुका है। तो मैं जाऊंगा ZSDC_report पे, जाने के बाद एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन खोल के आया, GRC Putaway, पिकिंग, इसके बाद पिकिंग या फिर लोकेशन वाइज भी पिकिंग है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बोला हुआ है प्रेजेंटेशन में, तो यहाँ पे भी आप डेट और अपना स्टोर साइट डाल के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और एग्जीक्यूट करने के साथ साथ अगर आपको इसको एक्सेल में चाहिए, तो ये जो मैंने वीडियो पे लोगो पे मतलब क्लिक करके जो एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो भी आप कर सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो ये आपकी मर्ज़ी है। और सेकंड थिंग, एक एक करके आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा चीज़ का रिपोर्ट चाहिए होगा। तो ये आप एक एक मतलब सिलेक्ट कर करके और बेसिकली साइट और डेट डाल देना है। डालने के बाद F8 या फिर एग्जीक्यूट प्रेस कर देना है, और प्रेस करने के बाद आपको जो रिपोर्ट चाहिए होगा वो शो करेगा। शो करने के बाद जो एक्सेल में चाहिए होता है वो आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे एक एक करके आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये नो डाटा फाउंड किस लिए है, क्योंकि मैंने लोकेशन जो स्टोर लोकेशन है वो मैंने गलत मारा हुआ है। तो आप अपना हिसाब से मार सकते हो, मेरा बेसिकली है नहीं, जितना भी मैं दिखा रहा हूँ मेरा इतना ज़रूरत है नहीं आपके लिए, मैं ये सब कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से, मतलब पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अपना जो चाहिए वो आप स्टोर कोड और डेट डाल के आप कर सकते हैं। तो यही है सिंपल सा, इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि DC में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है और मेरा कितना परसेंटेज हो रहा है पिकिंग पुटी है, जो भी है जो टारगेटेड क्वांटिटी रहेगा टारगेटेड के अगेंस्ट कितना अचीव हो रहा है आपका।
अगर आपको कुछ पिकिंग में और कुछ डाउट है तो आप पिक लिस्ट और जो पिकिंग किया हुआ है रिपोर्ट्स से लेके ये दोनों को पी लुक अप मार के आप अपना देख सकते हैं कितना परसेंट हुआ कि नहीं। तो वही तरीका है, आप देखते जाइए क्या क्या है। तो मैं सारा पीपीटी में तो बोल ही चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए लाइव डेमो। और अगर आपको B2 के और लोकेशन के बारे में जानना है तो iBottom पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और B2 के जितना भी लोकेशन है, जितना क्या क्या फंक्शन है, ये सब कुछ बोला हुआ है। तो आप iBottom पे क्लिक कीजिए या फिर फ्लैश करेगा, देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।